Students, welcome again in the lecture series on atomic structure. And this is the part one where you will study about the Hund's rule. तो स्वागत है बच्चों आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर की पार्ट 10 में, जहां पर आप Hund's rule के बारे में पढ़ेंगे. इससे पहले लेक्चर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड ऑपाउ प्रिंसिपल. और उसके बाद आप देखेंगे कि जो ये रूल है Hund's rule, इसके अकॉर्डिंग अगेन हम देखेंगे कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग पॉसिबल होती है. तो ये तीन रूल मिलके, यानी ऑपाउ रूल, पॉलीज रूल एंड Hund's rule, दीज ऑल टूगेदर दे आर हेल्पफुल इन द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम. तो किस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज होंगे, उसके लिए तीनों रूल जानना हमें बहुत जरूरी है. तो इस लेक्चर में आइए देखें कि जो Hund रूल है उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू Hund रूल क्या है बच्चों, देखिए, अकॉर्डिंग टू Hund रूल द ऑर्बिटल्स ऑफ द सेम एनर्जी. तो हम किसकी बात कर रहे हैं, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर बात हो रही है सबशेल. तो अगर हम पी सबशेल को देखेंगे तो यहां पर देखिए तीन ऑर्बिटल हैं और तीनों की एनर्जी बराबर है. अगर मैं डी सबशेल की बात करूं तो यहां पर पांच ऑर्बिटल होते हैं और पांचों की एनर्जी क्या होती है, बराबर होती है. तो हम किन ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं, उन ऑर्बिटल्स की जिनकी एनर्जी सेम होगी. तो हम इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग की बात कर रहे हैं कि ईच इलेक्ट्रॉन्स दे फिल वन बाय वन. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन ऐसे फिल होता है, एक होगा तो ऐसे, दूसरा होगा तो ऐसे, फिर तीसरा होगा तो ऐसे, देन ओनली द पेयरिंग विल स्टार्ट. तो आप देखेंगे कि जो पेयरिंग है वो तभी स्टार्ट होती है. और दूसरा जो कंसेप्ट है इसका कि इलेक्ट्रॉन्स हैव द सेम स्पिन, द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दे हैव द सेम स्पिन. अब आप इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, इस इलेक्ट्रॉन को देखिए और इस इलेक्ट्रॉन को देखिए, तीनों की स्पिन कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है. तो इसको हम फर्दर एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स. होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हमेशा एम्प्टी ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल, जहां पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो वहां पर सिंगली इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, देन ओनली दे विल पेयर अप, बाद में ये पेयर अप होते हैं. अब आप देखेंगे क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. देयरफॉर दे टेंड टू मिनिमाइज द रिपल्शन. अब ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सो दे टेंड टू मिनिमाइज द रिपल्शन, ये रिपल्शन को कम करना चाहते हैं. और उसको कम करने के लिए क्या करते हैं कि दे ऑक्यूपाई देयर ओन ऑर्बिटल्स रादर देन शेयरिंग एन ऑर्बिटल विद अनदर इलेक्ट्रॉन. ये क्या करेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में चला जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में चला जाएगा, जिससे उनके बीच में जो रिपल्शन है वो मिनिमम हो पाए, बजाय इसके कि वो अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ वहां पर फिट हो जाए. अगर वो अपने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ फिट हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, वहां पर रिपल्शन होगा. ओके, तो कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं दे शो लेस स्क्रीनिंग इफेक्ट, उनकी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होती है, कम होती है, वो कम रिपेल करते हैं. क्योंकि और जहां पर रिपल्शन कम होगा वहां पर कम एनर्जी होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप नहीं होते हैं, क्योंकि अगर वो साथ रहेंगे तो वहां पर रिपल्शन की संभावना अधिक है. तो इसलिए इलेक्ट्रॉन्स सिंगली फिल्ड होते हैं. सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल दे हैव सेम स्पिन. सेकंड कंडीशन क्या है कि जो सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स होते हैं वहां पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम होनी चाहिए, द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ऑर्बिटल्स ऑफ अ सब शेल शुड बी सेम. या तो वो अपवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए या वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए. तो इस दोनों कंसेप्ट को मैं आपको बताती हूं. यहां पर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशंस देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट किस तरीके से होता है Hund रूल के अकॉर्डिंग, उसको हम यहां पर स्टडी करेंगे. यहां पर तीन ऑर्बिटल दिखाए हैं, देखिए 1s 2s एंड 2p, तीन सबशेल हैं, उनके ऑर्बिटल्स अगर आप देखेंगे तो s में एक ऑर्बिटल है जबकि p में तीन ऑर्बिटल है. तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जहां पर ये तीन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर है. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग किस तरीके से होगी ये Hund रूल बताता है.
मैं आपको बताऊंगी कि तीन इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होगी। मान लीजिए ये ऐसा एक एटम है जिसमें पी में तीन इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे हो सकती है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरीके से हो सकती है, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग इस तरीके से भी हम दिखा सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की फिलिंग ऐसे हो रही है, ओके। और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हम इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, ओके। ये हम कुछ तरीके दिखा रहे हैं कि अगर तीन इलेक्ट्रॉन फिल होने तो कौन सी फिलिंग अकॉर्डिंग टू हुंड रूल है। अब आप पहले एग्जांपल को देखिए, यहां पर देखिए तीनों इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन पे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो तीन ऑर्बिटल्स में तीन इलेक्ट्रॉन जाने हैं, तो पहले इलेक्ट्रॉन एक यहां जा रहा है, एक यहां जा रहा है और एक यहां जा रहा है पी एक्स पी वाई एंड पी जेड में, और कोई पेयरिंग नहीं हो रही है इलेक्ट्रॉन की, तो एक तरीका यह है। दूसरे में आप देख रहे हैं कि तीन इलेक्ट्रॉन अलग अलग सिंगल सिंगल ऑर्बिटल में जा रहे हैं, बट उनकी स्पिन जो है वो चेंज होगी। देखिए इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ये हो सकता है। फिर आप एक इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट देखिए कि इलेक्ट्रॉन यहां, फिर उसके बाद यहां पर आ गया और जो दूसरा तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो यहां चला गया। या फिर हम ये एक अरेंजमेंट देख सकते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन फिल हुआ, दूसरा भी इसी ऑर्बिटल में फिल हो गया, और यहां पर आप देखिए कि दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में, इस तीसरे की स्पिन भी सेम डायरेक्शन में, और ये जो अरेंजमेंट है यहां पर आप देख सकते हैं कि दोनों की स्पिन ऊपर है और एक की स्पिन नीचे है। तो इसमें से देखें कि कौन सा जो अरेंजमेंट है वो करेक्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो यहां पर जो करेक्ट ऑर्डर है वो कौन सा है, पहला, ये करेक्ट ऑर्डर है जहां पर पहला इलेक्ट्रॉन पी एक्स में गया, दूसरा पी वाई में गया, तीसरा पी जेड में गया, और तीनों की स्पिन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। ये जो सेकंड कॉन्फ़िगरेशन है ये सही नहीं है, हुंड रूल के अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये पहले रूल को तो फॉलो करता है कि इलेक्ट्रॉन पहले सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं देन ओनली पेयर्ड, लेकिन जो दूसरा रूल है कि तीनों की स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन या तीनों की स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में होनी चाहिए, तो ये जो है रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। थर्ड अगर हम कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे तो ये अगेन ये गलत है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन पहले पेयर हो जा रहे हैं, पेयर तो होने नहीं है, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन जिनका रिपल्शन की पॉसिबिलिटी है वो एक ही ऑर्बिटल में नहीं हो सकते अकॉर्डिंग टू हुंड रूल। पहले ये पेयरिंग तब होगी जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, चार होंगे। देन आप देखिए ये जो कॉन्फ़िगरेशन है अगेन ये रॉन्ग है अकॉर्डिंग टू हुंड रूल, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में जा रहे हैं और दोनों की स्पिन सेम डायरेक्शन में है, तो ये पॉसिबल नहीं है। Then in this configuration also you will find the spin of all the three electrons, they are different, spin same रहनी है, तो इसलिए ये भी according to Hund rule सही नहीं है। अब अगर हम feeling देखें electrons की, कि अगर electrons की feeling, अगर मान लीजिए चार electrons की feeling होनी है तो उन electrons की feeling कैसे होगी, 1, 2, 3 and 4। So this is the correct order of filling of electrons in p orbital, जहां पर पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, पहले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी सबकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, देन ओनली पेयरिंग विल टेक्स प्लेस। इस तरीके से फिलिंग नहीं होगी कि इलेक्ट्रॉन यहां आया, फिर यहां आ गया, फिर यहां आ गया, फिर ये पेयर हो गया, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, ये हुंड रूल नहीं है। अगर हम इस तरीके से शो करें कि ये इलेक्ट्रॉन आया और ये यहां पेयर हो गया, देन इस ये ऑर्डर सही है, लेकिन फिलिंग का जो ऑर्डर है वो तरीका यह है कि पहला इलेक्ट्रॉन यहां, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां, चौथा इलेक्ट्रॉन अगेन यहां। और अगर हम इस इलेक्ट्रॉन की फिलिंग 2p ऑर्बिटल में इस तरीके से करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां आ गया और इसकी स्पिन सेम हो गई, सो दिस इज नॉट द हुंड रूल, अकॉर्डिंग टू हुंड रूल सो दिस इज इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। तो देखिए हुंड रूल ने बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट के बारे में बताया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन है वो सिमिलर डायरेक्शन में होनी चाहिए, और एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं अगर ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या हो, सेम हो। तो इसकी मेन एप्लीकेशंस अगर हम देखेंगे, मेन एप्लीकेशन क्या है, इट इज हेल्पफुल इन प्रिडिक्टिंग द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम। ये किसी भी एटम की ग्राउंड स्टेट को बताने में हेल्पफुल है। इस रूल को हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी भी कहते हैं। यहां पर देखेंगे मैंने आपसे कहा हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, हम इसे कहते हैं मल्टीप्लिसिटी
और मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, एक्चुअली इट इज इक्वल टू 2s+1। आप ये समझिए कि मल्टीप्लिसिटी मीन्स होता है जितना अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उतनी अधिक स्पिन होगी। पहला एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन है, तीनों की स्पिन प्लस वन है, तो टोटल स्पिन अगर हम तीनों की स्पिन जोड़े तो कितनी हो जाएगी, 3/2। ओके, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर इसकी स्पिन अपवर्ड डायरेक्शन में, इसकी अपवर्ड डायरेक्शन में, बट इसकी स्पिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, सो दिस इज हैविंग द -1/2 एंड दीज टू आर हैविंग +1/2 स्पिन, सो टोटल स्पिन विल इक्वल टू +1/2। इसकी स्पिन क्या होगी, +1/2। अगर हम थर्ड एग्जाम्पल देखें तो अगेन यहां पर देखिए +1/2 -1/2 0 एंड ये जो बचा +1/2, तो अगेन जो स्पिन होगी वो क्या होगी, +1/2 होगी। अगर हम इस फोर्थ केस को देखें तो यहां पर जो स्पिन होगी वो +3/2 होगी टोटल अगर हम जोड़े तो, और अगर हम फिफ्थ केस को देखें तो अगेन यहां पर जो स्पिन होगी वो +1/2 होगी। तो अगर हम टोटल स्पिन देखें सारे इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ दें तो आप ये देखेंगे कि दो ऐसे कॉन्फ़िगरेशन हैं, नंबर 1 एंड नंबर 4, जहां पर स्पिन +3/2 है। तो ये जो स्पिन है ये मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को बताती है, जितनी अधिक स्पिन होगी मतलब उतना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। देखिए यहां पर भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इन दोनों में से कौन सा अधिक स्टेबल होगा, तो इन दोनों में से ये सबसे अधिक स्टेबल होगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अलग अलग ऑर्बिटल में है, यहां पर इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में है, सो यहां पर रिपल्शन अधिक होगा। तो ये जो स्टेट होगी वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होगी, अगर 3 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। अगर हम इन पांचों को देखें तो ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये तीन तो ऐसे कट गई क्योंकि इनमें जो स्पिन आ रही है वो +1/2 आ रही है, और जिसकी स्पिन कम होती है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि स्पिन कम का मतलब मल्टीप्लिसिटी कम। तो मल्टीप्लिसिटी कम है मतलब अधिक से अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहने चाहिए। अब दो ऐसे केस हैं जहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक है, बट यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर पेयर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक ऑर्बिटल में, सो मोर रिपल्शन विल बी देयर, सो दिस इज द स्टेबलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ये इसकी जो एटम है इसकी क्या है, ये ग्राउंड स्टेट है क्योंकि इसकी स्पिन सबसे ज्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें ये हुंड रूल ये बताता है कि जो स्टेट होती है उनकी मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होती है, 2s+1 इज द मल्टीप्लिसिटी। अगर स्पिन 3/2 है, s 3/2 है, तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी, 4, तो बहुत अधिक मल्टीप्लिसिटी होगी, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो इसका मतलब ये सबसे स्टेबल स्टेट होगी। तो ये हमें हुंड्स रूल बताता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट कौन सी होगी जहां पर सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उन सबकी स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी, तो उसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे अधिक होगी, और जिसकी मल्टीप्लिसिटी सबसे अधिक होगी दैट विल बी द ग्राउंड स्टेट टर्म। तो इसलिए जो हुंड रूल है उसको हम कहते हैं हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, क्योंकि ये हमें बता रही है कि कहां पर मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम होगी, कहां पर होगी, क्योंकि मल्टीप्लिसिटी क्या होती है, 2s+1, जहां पर स्पिन सबसे ज्यादा होगी। स्पिन सबसे अधिक कहाँ होगी, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन सेम डायरेक्शन में होगी, वो ही क्या होगी, ग्राउंड स्टेट होगी। ऑल अबाउट हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे होती है। नाउ वी आर अवेयर ऑफ 3 रूल्स ऑफ बाउ प्रिंसिपल एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड बाई गोइंग थ्रू दीज 3 प्रिंसिपल्स वी कैन इजिली अरेंज द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिटल्स। हम इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से ऑर्बिटल्स में फिल कर सकते हैं किसी भी एटम के। सो दिस इज ऑल अबाउट इन आफ्टर दिस वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सो थैंक यू वेरी मच।